स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड डॉ राजेश कुमार 3 दिवसीय कुमाऊं के दौरे पर थे और अपने दौरे के आखिरी दिन स्वास्थ्य सचिव हल्द्वानी पहुंची, जहां पर उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी अस्पताल और कुमाऊं के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हल्द्वानी का कैंसर हॉस्पिटल कुमाऊं के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कैंसर हॉस्पिटल और बेहतर बनाए जाए, जिसके लिए शासन स्तर पर काम चल रहा है। हॉस्पिटल को कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जिससे कैंसर के मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सके। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को 15 दिन के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ लोगों को इलाज के साथ साथ उत्तराखंड के युवा मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 200 बेड का मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा है, जहां भविष्य में 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी फिलहाल जो मेडिकल कॉलेज है तो उसका मैंने निरीक्षण किया था, और कल पिछले 2-3 दिनों से मैं कुमाऊं के दौरे पर हूँ। मैंने शुरू किया था चंपावत से, फिर पिथौरागढ़ गया। पिथौरागढ़ की जो बेस हॉस्पिटल है उसको संचालित करने के लिए क्या क्या कदम हमें उठाना है, तो उस पर भी मेरा ध्यान रहा। तो अभी फ़िलहाल कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो हम लोग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से उपलब्ध करा सकते हैं।